बादशाह तो वक्त होता है, इंसान यूं ही अपने आप में गुदगुद करता है। यदि आप भी लोगों को जज करते रहते हैं ना, तो ये कहानी आपके लिए है। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। एक बार की बात है, एक पिता अपनी बेटी को घर ले जा रहा होता है, तो बस स्टॉप पे टिकट लेता है, बस के अंदर प्रवेश करते हैं। जब बस के अंदर जाते हैं तो उनकी 20-22 साल की वो बेटी जिद करने लगती है अपने पापा से, पापा मैं विंडो सीट पे बैठूंगी, पापा मुझे विंडो सीट पे बैठना है। उनके पापा उसे विंडो सीट पे बैठा देते हैं। वहीं सामने सीट में एक मोहतरमा अपनी फैमिली के साथ में बैठी होती, वो ये सारी चीजें देख रही होती हैं। लड़की अपने पापा से बिल्कुल एक अलग टाइप से बात कर रही थी, जिद कर रही थी या कुछ अनमैच्योर्ड टाइप की कन्वर्सेशन कर रही थी। तो उस मोहतरमा को लगता है कि हो सकता है कि बाप बेटी आपस में कुछ मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होती है। उस मोहतरमा के पति नीचे कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, बस थोड़ी देर में चलने लगती है। जब बस चलने लगती है तो वो लड़की अपने पापा से बोलती है, पापा पापा ये देखिए ये सड़क पीछे जा रही है। फिर थोड़ी देर में कुछ चिड़िया उड़ रही होती हैं, तो बोलती है, पापा वो देखिए चिड़िया उड़ रही है आसमान में। वो मोहतरमा देखती रहती हैं, उस लेडीज को लगता है कि ये कर कैसे रही है। फिर थोड़ी देर में वो लड़की बोलती है, पापा वो देखो बादल छूट रहा है, बादल पीछे जा रहा है। तो उस मोहतरमा ने कुछ खाने का सामान निकाला और भाई साहब को पूछा, भाई साहब ये लीजिए कुछ खाइए आप भी। भाई साहब ने उनसे खाने का सामान लिया, तो मोहतरमा ने सोचा कि ये अच्छा समय है, इनसे सवाल पूछना चाहिए। तो मोहतरमा उनसे बोलती है कि भाई साहब आपको एक सलाह दूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए। तो उस लेडीज ने कहा कि आप अपनी बेटी को किसी डॉक्टर के क्यों नहीं दिखाते हैं, आप अपनी बेटी को किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मेरे पहचान में एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनका नंबर देती हूँ और उनसे बात भी कर लेती हूँ, आपकी बेटी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया, उस व्यक्ति ने जो बोला आप सुनिएगा, उन्होंने बोला कि अभी मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास से ही लेके आ रहा हूं। मेरी बेटी 22 साल से अंधी थी, आज पहली बार उसकी आंखें आई हैं, बचपन से वो अंधी थी, आज इसका इलाज हुआ है और आज ये पहली बार देख पा रही है। जब उनके पिता ने ये जवाब दिया तो उस लेडीज की आंखें नीचे हो गईं शर्म से। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि हम अपने जिंदगी में लोगों को जज करते रह जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है। ये जज करने से जिंदगी नहीं चलेगी, ये चलती है हमारी लोगों की। हम हमेशा जज करते हैं, हमेशा हमें दूसरा पहलू नहीं पता होता है और हम अपनी बातें रख देते हैं, हम अपना ज्ञान दे देते हैं लोगों को। इसलिए लोगों को जज करना बंद करिए, लोगों में प्यार बांटिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूं आपसे, किसी आप जब खुश रहेंगे ना और खुशियां बांटेंगे तो ही सब कुछ बेहतर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। यदि आप इस कहानी को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook या Instagram पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए, बट करिए जरूर। थैंक यू सो मच।